उस छड़ी कहाँ से आई? चंडाल चौकड़ी सारे तैयार? मैं मम्मा। ये छड़ी? ये तो हमने तोड़ दी थी। ये जुड़ कैसे गई? ये छड़ी आपके छोटे दादू सरदार गुरबख्श सिंह गिल जी की। मतलब दादू और तारजी के पास एक जैसी छड़ियां थी। सेम टू सेम। लेकिन मेहर मम्मा, दादू की छड़ी आपके पास कहाँ से आई? ये छड़ी मुझे आपके पापा ने दी थी संभाल कर रखने के लिए। तो आज हमने तो ये आइडिया आपका और पापा का है? यस। सत श्री अकाल दादी। सत श्री अकाल कुड़िए। सत श्री अकाल पुत्रो। कुड़िए, 25 साल पहले जिस भाई से मैं बिछड़ गया था ना, आज तूने मुझे उससे मिला दिया। मेरे पुत्र, बड़ा अच्छा लगा देखकर। बड़ा फक्र महसूस हुआ कि हमारे खानदान की बेशकीमती यादें तुमने सहेज कर रखी हैं। बच्चों, ये महज छड़ी नहीं है, ये मेरा अपना भाई सरदार गुरबख्श सिंह गिल है, तुम्हारा दादा है। बच्चों, आज से तुम्हारा एक दादा नहीं, तुम्हारे दो दादू हैं। बड़ा दादू सरदार बैद सिंह गिल और छोटा दादू सरदार गुरबख्श सिंह गिल। आओ बच्चों, अपने छोटे दादू को मेरी पौना करो। मेरी पौना छोटे दादा। तो मेरी चंडाल चौकड़ी, अपनी सजा के लिए तैयार हो? दार्जी, आज मुझे अपने स्कूल का प्रोजेक्ट मनाना था, फैमिली ट्री, और उसमें विजुअल करण भी मेरी हेल्प कर रहा है। हाँ दार्जी, अगर ये सजा 2-3 दिन बाद आपका प्रोजेक्ट बनाने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। सुन लिया? कल छड़ी तोड़ी थी ना, लिया था ना मजा, तब भुख तो उसकी सजा। जी दार जी। इसके पेट में
गुड मॉर्निंग सोनिया। सरबजीत जी, ये कोई तरीका आता है गुड मॉर्निंग बोलने का? मैं गिर जाती फिर? नहीं जी, रोमांटिक तरीका है। ओके। बट सीरियसली मैजी, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी हूँ जिसे आप जैसी जीवन साथी मिली। प्रॉब्लम आती नहीं, लेकिन उससे पहले सोल्यूशन आ जाता है आपके पास। अगर आप डैड वाली छड़ी याद ना कराती तो मैंने अकेले ने थोड़ी नहीं, आपने भी तो सेम टाइम पे याद कराया था। ऐसे एक बात बताइए, ऐसे सुबह सुबह सीढ़ी पे चढ़ के आप कर क्या रही थी? वो एक्चुअली शहर के स्कूल का प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं ऊपर से पेन ब्रशेस वगैरह निकाल रही थी। ले चट दे होंदे तुहानू सीढ़ी दी की लोड़। ताई जी, तुसी कदों आए? कोई काम सी? करण की फाइल है। ताई जी, ताई जी, ताई जी, ताई जी, ताई जी, क्या कर रहा है? एक गल दसो, केड़ा साबुन यूज करते हो? आई स्वेयर ताई जी, ऐसी स्किन ना किसी दी हो ही नहीं सकती। और ए अखां विच जो नूर बस रहा है, जैसे सूरज दी रोशनी। सच्ची किसी दी नजर ना लग जाए मेरी सोनी जी ताई जी। चल लिया ताई जी, बताइए ना किस काम से आई थी आप यहाँ? सरब, तेरे नाल गल करनी है। हाँ जी, दसो। 25 साल बाद आए हैं अंबरसर वापस। तो दार जी के ना कुछ पुराने दोस्त हैं, वो मिलने आ रहे हैं उनसे। अच्छा। बस यही चाहते थे कि खातिरदारी अच्छे तरीके से होए। अब बिल्कुल चिंता ना करो ताई जी। और चिंता तो मुझे तेरा चेहरा देख कर ही हो जाती है। इतने सालों बाद बड़े बुजुर्ग आए हैं, तेरे घर में से कोई आया है हाजिरी भरने के लिए? कहाँ है तेरी मम्मी जी? समझी हैं हम, थोड़ी तो शर्म लिहाज होनी चाहिए कि आके अपने कुड़मों से मिलने। मेहर को क्या लगता है कि मम्मी जी का खेल खत्म हो गया है? ओ कुलवंत कौर ना है मेरा। जहां से लोगों का खेल खत्म होता है, वहीं से कुलवंत कौर ढिल्लों का खेल शुरू होता है। माना, ओ माना, मेरी जमानत मंजूर नहीं हुई है, लेकिन मुझे बैठ के सोचने का टाइम तो मिला। मम्मी जी, आप क्या सोच रहे हो? बर्बादी, तबाही। किसकी मम्मी जी? मेहर की? पूरे गिल खानदान की। जिस दिन मैंने यहां से बाहर निकलना है, मैंने पूरे खानदान में ऐसा वार करना है, ऐसा वार करना है कि कोई उठने के काबिल नहीं रहना। वंडरफुल जी, वंडरफुल। चुप है, पे कुछ पूछ रही हूं मैं तेरे से। किथे तेरे पैके वाले? मां किथे तेरी? ताई जी, एक्चुअली मेरी गल हो गई उन्होंने नाल, कुछ दिनों में आ जाएंगे मिलन, है ना? वैसे ताई जी, मैंने गल दसो, ये क्यों जरूरी है कि कुड़ी वाले मुंडे वाले के घर आके हाजिरी भर? एवं क्यों होंगे? पापा नानक तो यही कह गए कि कुड़ी ते मुंडे च कोई फर्क नहीं होंगे, दोनों ने इको दर्जा दिता गया। फिर पुत्र, ज्यादा ना होशियारी नहीं दिखानी चाहिए। सदियों पुरानी रीते हैं, कुछ तो सोच समझ कर ही बनाई होगी ना बड़े बुजुर्गों ने।
पर यह गल तेरे समझ नहीं आनी तो मार खा वोटी दे हाथ। सास नहीं है ना घर में इसके, पोती तो अच्छे खासे तौर तरीके सिखा चुकी होती तुझे। आप भी तो मेरी सास ही है। धीरे धीरे सब सीख लेना है आपसे। क्यों मुसीबत मोल ले रही है कुड़िया? बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद कभी मुसीबत हो ही नहीं सकता ताई जी। चंडाल चोकड़ी की हालत पड़ा बहुत बुरा है दार जी। ओ कुड़िये तू इन्हानु दूध क्यों नहीं देंदी के? वो बड़े फुक्के बच्चे हैं तेरे, और मैं तो इनकी उम्र में 15-15 घंटे वर्जिश किया करता था, और ये तो 5 मिनटों में ही पस्त हो गए। चल कोई गल नहीं, और तू देखी मैं इन चूहों को कैसे बब्बर शेर बनाता हूँ। बिल्कुल दादाजी, आपका हाथ इनके सर पे रहेगा तो इन्होंने बब्बर शेर अपने आप बन जाने। की गल है दादाजी, सब ठीक है? हाँ कुड़िए सब ठीक है, मैनू की होना, सब ठीक है। मैं क्या जी, गरम पानी सिकाई बस। ताई जी गरम सेक से तो दर्द और बढ़ जाना है, आपको दारजी को आइस पैक लगाना चाहिए। अब ये भी तू ही सिखाएगी? इतने सालों से मैं इनको यही दे रही हूँ। अपने सरदार जी की सेवा कैसे करनी है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। और ठंड से ना शरीर में दर्द बढ़ता है, इतना भी नहीं पता है तुझे? सीता जी हाँ तो भाई चंडाल चोकड़ी, जिस्म की वर्जिश तो आज हो गई, चलो अब थोड़ी दिमाग की भी वर्जिश कर लें। वीर जी फिर इसके लिए ये लो भाई गरम गरम बादाम का हलवा। अरे वाह, ऐ हुई ना गल। थैंक यू जी, ये लो बच्चों आप भी खाओ बादाम का हलवा। अले पुत्र चलो भाई चंडाल चौकड़ी, हलवे के साथ साथ पंजाबी में पहाड़े सुनाओ। पहाड़े टेबल्स टेबल्स हाँ, पहाड़े कहाँ तक याद हैं? 20 तक। चलो फिर 21 दा पहाड़ा याद करो मेरे नाल। 21 एकम 21 एकम 21 दूनी 42 21 दूनी 42 21 तिया 63 21 तिया 63 21 चौक 84 21 चौक 84 दादी 84 मतलब कितना होता है? सर पुत्र 84 का मतलब 84 मतलब अमृत? नहीं पापा। अमृत तू ठीक तो है? अमृत ओ कोई अमृत नु देखो। ताई जी जी,
कैसे हुई मुझे मुक्के मारने की? यही सिखाया तेरे पैके वालों ने कि अपने बड़े बुजुर्गों के साथ हाथ चलाकी करना? घूर कैसे रही है? आंखें नीचे कर। ताई जी। बिल्कुल चुप। तो गलती करती है, ऊपर से जुबान लड़ा रही है। भाई जी, मैं जुबान नहीं लड़ा रही हूँ, पूछ रही है इसलिए बता रही हूँ। बचपन से यही सीखा है कि अगर गले में कुछ फंस जाए तो मुक्का मार के निकल जाता है, जैसे ये बादाम। आपको अगर फिर भी लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई है तो आप बेशक मुझे सजा दे दीजिए। ज्यादा ना मासूम बनने की कोशिश नहीं करना मेरे सामने, आई बात समझ में? सब पता है मुझे, ये तू कल का बदला ले रही है ना मुझसे। ताई जी, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं। और तू तो चुप ही कर। आया वड्डा अपनी वोटी का हिमायती बनके, और तू तो यहाँ था भी नहीं। सरप, इतनी जोर जोर से इतना धार धार करके मुझे मुक्के मारे हैं, लेकिन तूने तो कभी हमारी सुनी नहीं है ना। तू तो इसी की सुनेगा, लट्टू बनाकर जो घुमा रही है ये तुझे अपनी उंगलियों पर। पर मैं ना तेरी बोटी को अच्छी तरह पहचान गई हूँ। शक्ल से बोलनी लगती है, पर मौका मिलते ही अपने असली रंग दिखा देती है ये। खाना बनाया और फिर उसने बाल डाल दिया, और अब बचाने के चक्कर में मुक्के मार रही है। पता नहीं आगे जाने क्या क्या करेगी हमारे साथ ये। जी, आपकी आपकी सारी बातें सर मत थे, पर मैं और मैंने सब देख भी लिया है और समझ भी लिया है, इसे तू तो रह नहीं दे। अमृत कौर, बस खबरदार, जो तूने इस बच्ची के खिलाफ एक भी लफ्ज बोला तो। ये क्यों हो गया? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। डेविल जी, मैं मम्मा की साइड कैसे ले रहे? मारा सरप नहीं था यहाँ, पर मैं तो बैठा था ना। अरे सांस अटक गई थी तेरी, अगर मैं ऐन वक्त पर आकर तेरी पीठ न थपथपाती तो जान निकल जानी थी तेरी। और तू इसका शुक्रगुजार होने की बजाय इसी पर इल्जाम लगा रही है। आप इस कुड़ी के लिए इन बच्चों के सामने, इन सबके सामने मुझे ओए मार जाई जी, प्लीज प्लीज संभालो अपने आप को। एक मिनट पानी। और नहीं चाहिए मैंने पानी वाणी, रहने दे। दाजी आप प्लीज ऐसे ताई जी को डांट मत लगाइए, माँ समान है वो, उनका हक बनता है। ओए बस कर, ओए बस कर, माँ समान है, हक बनता है। मेरे सामने ना तुझे ये ड्रामे करने की जरूरत ही नहीं है। मैं मम्मा, क्या हुआ? बड़ी दादी आपको ऐसे डांट क्यों रही थी? कुछ नहीं हो बच्चों। शक्ल से बोलनी लगती है, पर मौका मिलते ही अपने असली रंग दिखा देती है ये। शक्ल से बोलनी लगती है, पर मौका मिलते ही दिखा देती है। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.